हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर प्लेइंग विद द नंबर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्ले विद द नंबर। ठीक, इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड, और इसके अलावा कि किसी नंबर को अगर टू डिजिट नंबर है, थ्री नंबर डिजिट है, तो उनकी जनरल फॉर्म कैसे होगी, टू नंबर डिजिट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब इस टाइप की अपने को इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ वन डिजिट नंबर, जनरल फॉर्म वन डिजिट नंबर। ठीक है, वन डिजिट का कहने का मीनिंग है, वन डिजिट में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वन डिजिट है, मतलब नंबर्स हैं वो एक वन डिजिट में आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के अगर नंबर की बात करें तो ये केवल एक डिजिट में आएगा, जैसे एक्स। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इससे आगे 10 जैसे आते हैं तो वो टू डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, 1 एंड 10। इनमें नंबर्स ऑफ डिजिट की बात करें, वन डिजिट है, सिंगल डिजिट, ये भी सिंगल डिजिट, सिंगल 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 सिंगल, तो इन सब में क्या है, सिंगल डिजिट है। ठीक, तो अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ वन डिजिट की बात करें तो ये हैं एक्स, मतलब ओनली फॉर वन डिजिट आएगा, और वो वन डिजिट 0 to 9 के बीच का कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 0 या 9 या इसके अलावा जो लिखे हैं इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये होता है वन डिजिट नंबर। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं टू डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म लिखना, सेकंड जनरल फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर्स। टू डिजिट नंबर की बात करें तो टू डिजिट में कैसे, जैसे मान लो कोई सभी दो नंबर ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ जैसे 1 एंड 2, ये अपने आप में टू डिजिट नंबर है, 1 और 2 क्या दो डिजिट हो गए। अच्छा, जैसे मान लो 5 एंड 9, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो 1 एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है, 5 भी एक डिजिट है, 9 भी एक डिजिट है, तो ये क्या है, टू डिजिट नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है x इंटू वाई, यानी कि एक डिजिट x, दूसरा डिजिट y, तो ये क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म हो जाएगी टू डिजिट की। ठीक है, ओके, समझ गए, यानी कि जिसमें नंबर यूज होने वाले जो डिजिट हैं वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक, 2 होने चाहिए। जो x है, x डिजिट है, तो सिंगल डिजिट है x, और y भी क्या सिंगल डिजिट है, और डिजिट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 to 9 तक हो सकते हैं, यानी कि x एंड y हैं वो 0 से 9 के बीच का कोई सा भी नंबर होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे भी देख लो, टू डिजिट नंबर है, पहला डिजिट 1 है, सेकंड कितना है, 2, तो x, ये x कह दो, इसको y कह दो, तो ये क्या 0 से 9 के बीच में आने वाला कोई नंबर होगा। यहाँ पे भी देखो 5 एंड 9, 5 वन डिजिट एंड सेकंड डिजिट। ठीक, तो x एंड जो y हैं, x एंड y वो क्या होगा, या तो 0 होगा या खींच के 9 तक जा सकता है, यानी कि 0 से 9 के बीच का, 0 और 9, 0 से 9 तक का कोई सा भी नंबर हो सकता है ना, कोई सा भी डिजिट हो सकता है, टू डिजिट। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ टू डिजिट। ठीक, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे ध्यान से देखें और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे एक्स वाई है, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, 59 अपने पास कोई नंबर है, तो इसको हमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 into 10 plus 9। देखो कोई मिस्टेक नहीं है, ध्यान से देखें, 5 into 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 plus 9 59। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो होता है, ये है अपने पास x, ये क्या लिखा था, एक्स वाई लिखा था, एक्स इंटू वाई, 5 कितना x है, ओके,
और नाइन कितना वाई। क्लियर है? यानी कि एक्स वाई जो नंबर है अपने पास, एक्स वाई जो टू डिजिट नंबर था उसको मैंने एक्स इंटू टेन प्लस नाइन लिख दिया, करेक्ट है? ओके, ट्वेल्व को भी देखते हैं। जैसे हमने ट्वेल्व लिखा है इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स है वो है एक्स, वन है वो एक्स और टू है वाई, तो इसको ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं टू इंटू टेन प्लस टू, सॉरी वन इंटू टेन प्लस टू। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x जो वन है तो ये कितना हो गया x और ये कितना है y। ठीक है, ओके। अगर और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे अपने पास कोई नंबर है 97, ये अपने पास x है टू डिजिट में और ये है अपने पास y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू टेन प्लस x और ये हो जाएगा y। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए किसी भी एग्जांपल में, ठीक। अच्छा, तो सभी एग्जांपल को ध्यान से देखें तो एक चीज़ अपने को कॉमन दिख रही है, क्या? कि सभी एग्जांपल में जो फर्स्ट डिजिट हैं, फर्स्ट डिजिट है x, जो फर्स्ट डिजिट है अपने पास उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, यहाँ पे भी देखो 10 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है, इन सब में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अपने पास 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 10। तो एक खास बात है कि इन टू डिजिट को हम एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटू टेन प्लस वाई, यानी कि टेन एक्स प्लस वाई। तो ये अपने को याद रखनी है कि टू डिजिट जो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ टेन एक्स प्लस वाई। ठीक, ओके, समझ में? टेन एक्स प्लस वाई, फटाफट एग्जाम्पल भी नोट करेंगे। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि अपने पास किन्हीं दो टू डिजिट नंबर्स को ऐड करना है, टू डिजिट नंबर्स को ऐड करना है, तो लिखेंगे सम ऑफ टू डिजिट नंबर, अगले हेडिंग लिखेंगे सम ऑफ द टू नंबर्स डिजिट, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ टू नंबर डिजिट, यानी कि दो टू डिजिट जो नंबर्स हैं उनको अगर उनको ऐड कर दिया जाए, उनका समीशन की अगर बात करें तो कैसे ऐड करते हैं इसकी बात हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक नोट कर दिया, ध्यान से देखें। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं क्या क्या हुआ होगा। जैसे अपने पास एक नंबर्स हैं 25 प्लस दूसरा है 52, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो नॉर्मली पहले ऐड करते हैं, कितना होता है ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 77, करेक्ट है? अच्छा, इस 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25 को लिखूँगा, ये टू डिजिट है, 25 कैसा है, ये दोनों आपस में कैसा है टू डिजिट है, ये भी है और ये दोनों क्या है टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर। ठीक, अच्छा, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू टेन प्लस 5 प्लस 52 को लिख सकता हूँ x इंटू 5 इंटू टेन प्लस 2। यहाँ तक देखें? ठीक, अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो टू डिजिट जो नंबर है ध्यान से देखना कैसे ऐड किए जाते हैं, 2 इंटू 5 टू इंटू टेन प्लस 5 एंड 5 इंटू टेन प्लस 2, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं कैसे, ध्यान से सुनने का बेटा। तो मैंने सबसे पहले लिखा 2 इंटू टेन को प्लस 5 प्लस 5 इंटू टेन प्लस 2, यहाँ तक करेक्ट है? अच्छा, तो इन 2 इंटू टेन इंटू 5 इंटू टेन, टेन कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू टेन प्लस 5 प्लस 2, कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक देखें, यहाँ तक देखो कोई दिक्कत? इन दोनों में से मैंने 10 को कॉमन ले लिया तो ये 2 प्लस 5 इंटू टेन प्लस 5 प्लस 2 यानी कि 7।
ठीक ओके, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 7 इंटू 10 प्लस 7। देखो ये 7 इंटू 10 प्लस 7 ये टू डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसी फॉर्म में आ गया, तो ये क्या लिखा, जैसे 2 इंटू 10 तो 7 इंटू 10 एक्स इंटू 10 प्लस वाई, ये क्या लिखा है, ये लिखा है इस फॉर्म को अगर ध्यान से देखें इस वाले को, तो ये लिखा है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि क्या हो जाती है x इंटू वाई हो जाएगी। अभी हमने जनरल फॉर्म देखी थी टू डिजिट की, x इंटू 10 प्लस वाई इक्वल टू x इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई, x कितना है 7, y कितना है 7, तो x y कितना होगा 77, 7 इंटू 7 मतलब 7 और 7। देखो यहाँ से ये याद होता है, ये ठीक। तो दो टू डिजिट नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले अपने को उनको ब्रेक करना है इनकी जनरल फॉर्म में, फिर 10 वाले जो 10 के मल्टीपल में है उनको एक साइड लिखना है, और जो बाकी नंबर्स हैं उनको एक साइड लिखना है, फिर उसकी जनरल फॉर्म में आ जाएगा। जनरल फॉर्म में आने के बाद में हम उसको सॉल्व कर लेंगे x इंटू एक्स और y, ठीक। नोट करें यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझ में आया किस तरीके से ऐड करना होता है, और एग्जांपल लेके देखते हैं, और एग्जांपल लेंगे। ट्वेंटी नाइन को ऐड करना है 43 में, ठीक। तो अपने को बताना है इसका जो रिजल्ट आएगा क्या है, ये भी टू डिजिट नंबर है और ये भी क्या है टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, क्लियर है, टू नंबर डिजिट है, ओके। तो टू डिजिट है तो इसको ब्रेक कर लेंगे, कैसे करेंगे, टू इंटू 10 प्लस 9 x इंटू 10 प्लस वाई, यह है x, यह है y, तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई प्लस इसको ब्रेक कर लेंगे तो 4 इंटू 10 प्लस 3, करेक्ट है, ओके। तो इसको और ओपन करेंगे तो ये लिखा है 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 9 प्लस 3, 10 10 वाले को एक साइड, 10 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना हो गया, 9 प्लस 3 को हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 12 को भी ब्रेक कर लेंगे, ये भी टू डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अगर 12 की बात करें तो ये किसने कितने टू डिजिट है, ये क्या नंबर हो गया, ये भी टू नंबर डिजिट हो गया, टू डिजिट नंबर, ठीक है। अच्छा तो बनाते हैं, तो ये है 2 प्लस 4 यानी कि 6 इंटू 10 तो है ही ऑलरेडी, प्लस 12 को टू डिजिट है, इसको जनरल फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये लिखा है 1 इंटू 10 प्लस 2, ये है x और ये है y, तो 10x प्लस y, 10x प्लस y, तो यहाँ से भी हमने 10 कॉमन ले लिया तो ये होगा 6 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2, तो ये होगा 7 इंटू 10 प्लस 2, तो ये होगा 7, ये कितने है टू डिजिट की जनरल फॉर्म हो गई, ये x है और ये y है, ये क्या है x का काम कर रहा है, ये कितने किसका काम कर रहा है y, तो x तो कितना हो जाएगा 72, ठीक। तो इस तरीके से टू डिजिट नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, और ऐसे भी ऐड करके देखें तो 12 72 6 72, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरीके से दो टू डिजिट नंबर्स को उनका ऐड किया जाता है, ठीक है, नोट करें, ओके, क्लियर है, ठीक है। कुछ और बातें भी देख लेते हैं इसमें, जो टू नंबर डिजिट है x इंटू एक्स वाई जो हमने देखा था, अगर इसमें आपस में जो डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो इन टू डिजिट नंबर इन टू डिजिट नंबर इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज इन टू डिजिट नंबर इंटरचेंज
जिम दो डिजिट, ठीक है। जैसे अगर हम कहें एक्स इंटू वाई, ठीक, तो ये क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा टेन इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि टेन एक्स प्लस वाई लिखा होगा, टेन एक्स प्लस वाई। ओके, अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए वाई इंटू एक्स, तो ये कितना लिखा है वाई इंटू टेन वाई प्लस एक्स, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। देखो यहाँ पे x को 10 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे y को 10 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे y को ऐड किया और यहाँ x को ऐड किया, ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होते। तो ध्यान रखना कि अगर डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दी जाए तो वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। कुछ स्पेशल केसेस पे होते हैं, यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है वो सेम हो जाए, जैसे 1 1 2 2 7 7 3 3, मतलब जहाँ पे दोनों को नंबर सेम हो जाए तो उनको इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ध्यान से देखना, तो ऐसा क्यों हुआ, तो अगर इसको हम लिखना चाहे तो ये लिखा है 10x प्लस y, अगर इसको लिखना चाहे तो ये लिखा है 10y प्लस x, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, करेक्ट है, क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अगर अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो एक्स वाई इक्व टू टेन एक्स प्लस वाई एंड वाई एक्स इक्व टू टेन वाई प्लस एक्स, ओके, एक्स वाई नॉट इक्व टू वाई इंटू एक्स, यहाँ तक क्लियर, ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक, बट कुछ केसेज होते हैं जहाँ पे x एंड y दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि x y दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि x x हो जाए जैसे कोई नंबर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10x प्लस x लिखेंगे, ठीक। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर भी दिया तो भी क्या होगा, ये तो x को तो मैं 10x इंटू x ही लिखूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक्स एंड अगर दोनों डिजिट अलग अलग हैं तो फर्क पड़ता है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट दोनों अगर इक्वल हैं तो होगा, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखना जनरल फॉर्म ऑफ थ्री डिजिट नंबर, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग है थ्री डिजिट इन जनरल फॉर्म, अब हम थ्री डिजिट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर थ्री डिजिट में अगर कोई नंबर है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। जैसे मान लो कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं सही 110, ये थ्री डिजिट का नंबर है, ठीक है, 110 या 120 ले लेते हैं और इजी हो जाएगा, समझने में आसानी होगी, ठीक। तो 120 को हम किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 100 × 1, ठीक, प्लस 20 × 1 प्लस सॉरी 2 × इसको हम लिख सकते हैं 120 को 1 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 1 × 1, देखिए 1 × 0। अगर हम इसकी बात करें तो अपने पास ये क्या लिखा है 120, देखो इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आ गया 100 प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो 20 + 0, तो ये कितना हो जाएगा 120। हमने क्या किया, हमने इन तीनों डिजिट को मैंने जैसे ये 1 है तो 1 2 2 और ये 0 तो ये 0, ठीक है। तो हमने इनको किस से मल्टीप्लाई किया, या 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे अपने पास केसेस हैं, सपोज ये 576, ठीक है, ये कोई नंबर है 576, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 6 × 1, तो देखो 100, 10 and 1, ये सब जगह मैं लिख सकता हूँ। तो अगर अपने पास कोई भी थ्री डिजिट नंबर है तो किस फॉर्म के होंगे, x y and z इस तरीके होंगे, जैसे x y z,
तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू हंड्रेड, ठीक। तो यहाँ से आएगा x इंटू हंड्रेड प्लस y इंटू टेन प्लस z इंटू वन। तो ये होती है किसी भी थ्री डिजिट नंबर्स की जनरल फॉर्म, ठीक है, नोट करें। तो ये है किसी भी थ्री डिजिट को जनरल फॉर्म में लिखना, और ये एग्जांपल भी नोट कर दें, ठीक है। ठीक है, नोट करें जल्दी। ओके, तो अपने पास अगर मान लो कोई थ्री डिजिट दे रखा है नंबर, तो थ्री डिजिट में क्या करते हैं, इस तरीके से उसकी जनरल फॉर्म लिख देंगे और नंबर को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो ऐड करना है तो लिखेंगे एडिशन ऑफ टू टू नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट, एडिशन ऑफ ऑफ टू नंबर्स नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट, जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन हैं 5 0 6 में 1 4 1 3 4 1 2 4 फोर ऐड करना है, ठीक। इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये थ्री डिजिट है तो इसको हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 7 × 10 अभी लिखा था, 6 × 1 ये हो गया, इसको हमने लिखा जनरल फॉर्म में, प्लस अब इसको हमने लिखा 100 प्लस 2 × 10 प्लस 4 × 1, ठीक। ओके, फिर क्या करेंगे, 100 वाले को 100 वाले के साथ ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 × 100 100 एलसीएम ले लिया इन दोनों नंबर में, ठीक है, कॉमन ले लिया इन दोनों में। ओके, यहाँ से होगा 7 + 2 × 10 को कॉमन ले लिया, प्लस 6 + 4 × 1 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तक देखें तो ये हो गया 6 + 9 × 10 प्लस ये हो गया 10 × 1, करेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो गया, टू डिजिट हो गया, इसको भी सिंगल डिजिट इस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो ये लिखा है 6, सबको ऐड कर देते हैं, 600, ठीक है ना। हम इसको टू डिजिट, इसको भी सिंगल डिजिट में लिख के, जो टू डिजिट हमने पढ़ा था उसमें भी ऐड कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100, ठीक, नोट करें। तो इस तरीके से हम किसी भी थ्री डिजिट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखे, फिर एग्जाम्पल सेकेंड लिखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट, ये अपने पास एक थ्री डिजिट नंबर है, उसमें से इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखा, 9 × 100 प्लस 6 × 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × 1, ठीक है। अच्छा, ओपन किया, 100 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 9 माइनस 4 × 100 प्लस 8 माइनस 4 × 10 प्लस 6 − 3 × 1, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, ये हो गया 5 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × 1, यह है x, यह है y और यह है z।
तो अपना आंसर कितना होगा, एक्स वाई जेड हो जाता है, एक्स वाई एंड जेड, ये अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से थ्री डिजिट नंबर में हम किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री, जब थ्री ए, थ्री वन ए में ए, वन ए थ्री को जब ऐड किया जाता है तो अपने पास आ रहा है फाइव जीरो। ठीक है, तो अपने को बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि ए है कोई डिजिट है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो जीरो से नाइन के बीच का कोई नंबर है। ठीक, अच्छा, तो जैसे ही तो अब अपने को जब ए में थ्री को ऐड किया जा रहा है तो जो भी नंबर आ रहा है उसका लास्ट डिजिट या वो जो नंबर है वो क्या हो सकता है, वन हो सकता है, या तो उसका लास्ट डिजिट वन होगा या वो नंबर खुद वन होगा। अच्छा, तो यहाँ अगर इन दोनों को ऐड करें तो लास्ट डिजिट किस किस का हो सकता है, या तो इलेवन हो या ट्वेंटी वन हो या थर्टी वन हो, इस तरीके। बट जब ए में थ्री को ऐड किया होगा तो ए जीरो से नाइन के बीच का कोई नंबर होगा, तो जीरो से नाइन के बीच का अगर कोई नंबर है उसमें थ्री ऐड करेंगे तो 21, 31 इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, तो क्या हो सकता है, 11 आ सकता है। तो ये तो वही प्लस थ्री ये हो जाएगा 11, तो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 रख के चेक करते हैं। जब 8 में थ्री को 11, 1 प्लस 1 2 प्लस 8 10, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, यानी कि ए बराबर ही करता है, करेक्ट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, जब बी में नाइन को ऐड, बी नाइन में जब पूरे को ऐड किया जा रहा है अपने पास 65 आ रहा है, तो अपने को बताना ए एंड बी क्या होगा, यानी कि जब ए में नाइन को ऐड किया होगा जो भी नंबर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अच्छा, लास्ट डिजिट या वो नंबर खुद 5 होना चाहिए, तो अगर वो नंबर की अगर बात करें 0 है तक 9 है तो 5 तो कभी नहीं होगा, उसका लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो क्या करें, तो लास्ट डिजिट 15 हो सकता है या 25 बहुत बड़ा नंबर हो गया तो वो तो होगा नहीं, तो अपने पास कितना 15 आ गया। अच्छा, तो 15 है, ये जितना आ गया 15 हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस 9 यानी 6 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ गई। अच्छा, तो ए हमने 6 रख दिया, तो 6 प्लस 15 तो 5 एंड 1 ये हो गया, बी 1 प्लस b प्लस 5 बराबर कितना है 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 4 है, 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो यहाँ आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब a में a और a को ऐड किया जा रहा है तो वो अपने पास आ रहा है b एंड a आ रहा है, तो अपने को बताना है a एंड b क्या होगा। अच्छा, अगर मान लो हमने a को 0 1 ले लिया, ठीक है, तो 1 लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है, 3 आएगा, तो 3 का लास्ट डिजिट तो a में रख लेना, 2 लेंगे तो 6 आ रहा है, 3 लेंगे तो 9, और 4 लेंगे तो 12, और 5 लेंगे तो 15। हाँ, तो अगर एक को 5 लेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो 5 महंगे यानी कि एक को अगर हम 5 ले तो अपने पास आएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 तो बराबर आ रहा है 15। तो ये है ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी क्या है ए, ए में जब ए को ऐड किया है तब तो उसका जो नंबर रिजल्ट है उसका लास्ट डिजिट भी क्या ए है, तो ए बराबर 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, तो ए बराबर 5 एंड बी बराबर 5 आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सुना है कि जब 8 ए 5 9 9 और ए को ऐड किया जा रहा है तो अपने पास आ रहा है 1 ए 3 3, तो अपने को बताना ए क्या होगा। ओके, तो जब 5 में ए को ऐड किया होगा पास 3 आ रहा है, तो ये 3 यानी कि लास्ट डिजिट उसका 3 होगा, तो कितना होगा, 13 होगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 5 यानी कि 8, ए की वैल्यू आ गई 8। चेक करते हैं, जब 8 होगा तो 13 1 आ गया, 8 प्लस 12 13, ठीक है, करेक्ट है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से अपने को नॉर्मली प्रॉब्लम्स को करना रहता है। ठीक, नॉट करेक्ट।